अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं saraclothes.com से आज आपके लिए लाई हूँ सरीना का नया वेडिंग कलेक्शन जो कि रॉयल के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टर्स, इसके एम्ब्रॉयडर्ड रॉयल के अगले आइटम की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे ये सूट आ गया है हमारे पास। दिस इज रॉयल वेडिंग नंबर 3। आप देख सकते हैं इसकी इस खूबसूरती जो है वो उसके कलर में ही अच्छी खासी नजर आ रही है। इसका नाम है विक्सन सिक्वेना और ये बहुत ही अच्छे प्याजी कलर के फॉर्मेट में ये है, जिसके साथ हम देखते हैं कि गोल्डनिश एंड ब्राउनिश किस्म के थ्रेड वर्क इसमें हुआ हुआ है। आइए चलते हैं अंदर। इस आइटम में सबसे पहले जो हमारे पास आया है पीस वो है इसका बैक पीस। देखिए, ये है इसका बैक पीस। ये फुल्ली सीक्वेंस के साथ भरा हुआ है। इसकी एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें तो इसकी एम्ब्रॉयडरी में बड़े बड़े फ्लावर्स जो हैं, रोज फ्लावर्स को कॉपी किया गया है और इसमें जो खूबसूरती दिखा रही है ये वो इसकी सीक्वेंस है जो कि गोल्डन सीक्वेंस है। इसमें सारा काम हुआ हुआ है। इसके अलावा इसमें आप देख सकती हैं जो लीव्स बनी हुई हैं, इसमें 3 कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। 3 नीडल का काम हुआ हुआ है। कॉपर जरी है, गोल्डन जरी है और इसमें सिल्वर जरी भी शामिल है। इसके अलावा आप देख सकती हैं कि पूरे जो बैक का पीस गिवन है इनका तकरीबन 1 मीटर का, उसमें यहाँ पे पूरी सीक्वेंस के साथ इसकी लड़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल इस तरीके से। इसके अलावा इसके अगर मैं इसके अंदर इसके नीचे इसका मैं एम्ब्रॉयडर्ड जी हाँ इसके अंदर इसके नीचे का एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको। ये है इसका एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर जो कि इसके दामन के साथ नीचे लगेगा जी। ये है इसका बॉर्डर फ्रंट एंड बैक का। ये तकरीबन 2.5 का ये सीक्वेंस बॉर्डर गिवन है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ एक फॉर्मेट बनाया गया है रोज फ्लावर का और गुंबद का। इसके अलावा इस दामन के पट्टे पे, दामन की एम्ब्रॉयडरी पैच पे ये हम देख सकते हैं कि ये कटवर्क हुआ हुआ है। इस सूट में हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस नजर आ रहा है हमको। इसमें हमको कोई भी मेटल, कोई भी जो है बीज वर्क नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सीक्वेंस का काम नजर आ रहा है। अगला पीस हम देखते हैं तो ये है इसका फ्रंट में आप देख सकते हैं कि ये गला है, ये इसका नेक पीस है। नेक में भी ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 7 फ्लावर्स बनाए हुए हैं, 7 to 8 फ्लावर्स। और बहुत ही खूबसूरती से जो जाल है इनका फ्लावर्स का, लीव्स का, वो डाउन साइड की तरफ जा रहा है। नीचे चलते हैं तो ये है इसका दामन। ये देखिए ऊपर की साइड पे ये दामन आ रहा है ताकि ये मर्ज जाए ऊपर गले से और नीचे से, साथ ही साथ में जो बैक पे दामन लगा था वो भी इसके साथ नीचे मर्ज होगा, बिल्कुल इस तरीके से ये फॉर्मेट देगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है, प्याजी कलर में है। फैब्रिक इसका प्योर शिफॉन का फैब्रिक है और जो पैचेस दिए हुए हैं वो ऑर्गेंजा के पैचेस पे बना के दिए हैं। इसके अलावा अगर स्लीव्स की बात करें तो नेक्स्ट पीस जो हमारे पास आ रहा है वो है इसका स्लीव्स का। ये देखिए जी हाँ, इसकी 1.25 की इसकी स्लीव्स हैं। ये अपर साइड पे आएगा कंधे की तरफ और ये डाउन साइड की तरफ आएगा। इसके अलावा इस डाउन साइड के जो हैंड कफ है,
हैंड कफ पे ये वाला बॉर्डर आएगा। इस बॉर्डर की तारीफ मैं यही कहूंगी कि इसमें कटवर्क है और सीक्वेंस के साथ पूरा भरा हुआ है। स्लीव्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी तो स्लीव्स में भी हम देख सकते हैं कि स्मॉल बॉक्सेस के साथ साथ बिग बॉक्सेस भी हमको नजर आ रहे हैं, और स्मॉल बॉक्सेस की जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो बहुत ही अच्छे फैब्रिक से, जो सिल्क का फैब्रिक है इसका थ्रेड का, वो भी उसके ज्वाइंटिंग पॉइंट में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक एक सीक्वेंस के साथ इसको जोड़ा गया है ताकि ये फेड ना पड़े, बहुत अच्छा लगे, शाइन करे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो अगला आइटम है इसका, वो है इसका दुपट्टा। नेट का ये दुपट्टा है और इस पूरे नेट के दुपट्टे पे ये छन सी बनी हुई है सीक्वेंस से। ये देखिए ये कितना खूबसूरत इसका फैब्रिक आ रहा है, कितना खूबसूरत थी से ये, कहीं से शिमर, कहीं से गोल्डन, कहीं से ये ब्रॉन्ज टाइप का दिखाई दे रहा है। इस नेट के दुपट्टे को और फैंसी लुक देने के लिए इन लोगों ने इस तरीके के पैचेस दिए हुए हैं ताकि ये जो है ये कट करके दुपट्टे के चारों कोनर पर ये आपको मिलेंगे। इसमें भी, इस पैच में भी दो लड़ियां सिर्फ डाली गई हैं, सिर्फ दो लड़ियां डाली गई हैं। एक साइड पे एक राइट साइड की तरफ जा रही है, एक लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। फ्लावर्स के हिसाब से भी सिर्फ इसमें दो फ्लावर्स नजर आ रहे हैं फुली सीक्वेंस के साथ, और इस तरह के इन्होंने ये चार पैचेस रखे हैं। लास्ट आइटम जो हमारे पास इसका नजर आ रहा है वो है इसका रॉ सिल्क का ट्राउजर। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रॉ सिल्क का ट्राउजर इतना खूबसूरत है, इतना नरम और मुलायम है। इसकी आप फैब्रिक की क्वालिटी आप देखें तो बिल्कुल भी, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कहीं से भी फट नहीं रहा है। ये स्टिचिंग के बाद और खूबसूरती से ये नुमाया होगा। इस पिक्चर में इस रॉ सिल्क के ट्राउजर के जो है वो एक तरीके से शरारा बनाया गया है और डाउन साइड पे इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ये रहा इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लगेगा जब ये इसके साथ मर्ज होगा। अगेन इसमें भी इन्होंने टिश्यू के कपड़े को इस्तेमाल किया है ये ट्राउजर का पैच बनाने के लिए, और साथ ही साथ में एम्ब्रॉयडरी की है कॉपर कलर से, जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है और सीक्वेंस डाला है इसके स्मॉल बॉक्सेस में। टोटल कपड़ा जो इन्होंने शराने के लिए दिया है वो 2.5 यार्ड्स का है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर जरूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में मेरे फेसबुक के लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा और साथ में YouTube के चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन को आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको खुद ही आ जाएगी। लेकिन YouTube के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।